हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल रिडल्स ज्ञान। इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग पहेलियां दी गई हैं जिसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। यदि आप 5 सेकंड में सही उत्तर दे देते हैं तो आपका दिमाग बहुत ही तेज है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो आइए जानते हैं। पहेली नंबर 1। एक गाँव में 500 लोग रहते हैं। अचानक उस गांव में बाढ़ आ जाता है। तभी मोहन नाम का एक लड़का एक बड़ा सा नाव लेकर आता है और अपने पापा से कहता है कि पापा, मुझे सभी को बचाना है। और वह सभी को कुछ भी करके बचा ही लेता है, मगर 500 में सिर्फ 499 को ही बचा पाता है। कैसे? तो सोचिए और दीजिए इसका सही उत्तर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है, क्योंकि मोहन पहले से बच कर नाव में था, उसे ही मिलाकर गांव में कुल 500 थे। पहली नंबर 2। चिंटू नाम का एक लड़का जब अपने दोस्त मोंटू के घर जाता है तो वहां उसे 3 दरवाजे दिखाई देता है। एक दरवाजे में आग का सैलाब रहता है और दूसरे दरवाजे में जहरीले जीव से भरा एक तालाब और तीसरे दरवाजे में उसका दोस्त मोंटू का घर रहता है। उसे एक ही बार में सही दरवाज़ा खोलना है। अगर वह गलत दरवाज़ा खोला तो समझो उसकी मौत है। उसे ये कैसे पता चलेगा कि अपने दोस्त मोंटू का दरवाज़ा यही है? तो लगाइए दिमाग और दीजिए इसका राइट आंसर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही उत्तर है, दरवाजे के बाहर नेम प्लेट से। जी हाँ दोस्तों, दरवाजे के बाहर नेम प्लेट से वह सही दरवाजा का पता लगा पाएगा। पहली नंबर 3। 4 से 5 लोग अचानक एक सेठ के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर को तहस नहस कर सभी सोने और जेवर के साथ पैसों को भी ले जाते हैं। वह सेठ फिर भी उनकी शिकायत पुलिस के पास दर्ज नहीं करता, बताओ क्यों? तो लगाइए दिमाग और दीजिए इसका सही उत्तर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं। पहली नंबर 4। 3 बाप बेटे में से एक बेटे का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और दूसरे बेटे का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, तो योग करके बताओ कि बाप का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो सोचिए और दीजिए इसका सही उत्तर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है, ए बी निगेटिव। जी हाँ दोस्तों, गणित के हिसाब से अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए बी निगेटिव होगा। पहली नंबर 5। मोहन नाम का एक लड़का केला खाकर छिलके को सड़क पर फेंक देता है, जिससे एक बहरे व्यक्ति की मौत हो जाती है। पुलिस आकर जब मोहन से पूछताछ करता है कि तुम्हारे केले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, मगर मोहन बार बार कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे छिलके से उस व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, तो बताओ उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई? तो लगाइए दिमाग और दीजिए इसका सही उत्तर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है, वह व्यक्ति बहरा था, अंधा नहीं। जब वह व्यक्ति नीचे झुककर उस छिलके को हटा रहा था तभी अचानक से एक ट्रक हॉर्न बजाते हुए उसकी तरफ आई। वह बहरा व्यक्ति हॉर्न की आवाज़ को सुन नहीं पाया और उस ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पहली नंबर 6। मोहन और सोहन नाम के दो लड़के शिकार के लिए जंगल गए थे। शिकार करते करते जंगल के बहुत अंदर जा चुके थे। अचानक ही उन्होंने देखा कि सामने में कई वर्षों से पड़ा एक भूखा शेर है। पीछे तरफ झील थी जिसमें बहुत से सांप और जहरीले जीव तैरते दिखाई दे रहे थे और उनकी दोनों तरफ खाई ही खाई थी। अब बताओ कि अपने बचने के लिए दोनों ने कौन सा रास्ता चुना होगा? तो सोचिए और दीजिए इसका सही उत्तर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है, जाहिर सी बात है कि वो दोनों शेर से गुजरकर जाएंगे, क्योंकि कोई भी शेर वर्षों तक बिना खाए जिंदा नहीं रह सकता। पहली नंबर 7। अकबर बादशाह ने एक दरबारी से नाराज होकर उसे सजा सुनाई कि उसको कोई एक बात बोलनी है, अगर वो बात सच है तो उसे भूखे शेर के पिंजड़े में डाल दिया जाएगा, अगर वो बात झूठ है तो उसे भूखे मगरमच्छ के तालाब में फेंक दिया जाएगा।
इससे यह बात जाहिर है कि उसकी मौत दोनों स्थिति में तय है। दरबारी परेशान होकर बीरबल के पास जाकर सलाह मांगता है। बीरबल उसे एक सलाह देता है जिससे उसकी जान बच गई। बीरबल ने उसे क्या बोलने के लिए कहा, तो लगाइए दिमाग और दीजिए इसका सही उत्तर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है, बीरबल की सलाह पर उस दरबारी ने कहा, मेरी मौत मगरमच्छ के खाए जाने से होगी, अगर उसकी बात सही है तो उसको शेर के पिंजरे में डालना चाहिए। ऐसा होगा तो उसकी मौत शेर के खाने से होगी, जो कि गलत है। तब उसे मगरमच्छ के तालाब में डालना चाहिए, अगर मगरमच्छ के तालाब में डालें तो उसकी बात सही हो जाएगी। इस प्रकार यह एक पैराडॉक्स है और किसी भी स्थिति में उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। पहली नंबर 8, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे सुबह देखो तो हरी, दोपहर को देखो तो काली, शाम को देखो तो नीली और रात को देखो तो सफ़ेद दिखाई देती है। तो सोचिए और दीजिए इसका सही उत्तर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर है बिल्ली की आंखें। जी हाँ दोस्तों, बिल्ली की आंखें। पहली नंबर 9, एक आदमी अकेले अपने डेस्क पर बैठे बैठे मर जाता है। उसने आत्महत्या नहीं की और कमरे में कोई हथियार नहीं था। एकमात्र सुराग उसके सामने डेस्क पर एक मुहरबंद लिफाफा है, तो बताओ वह कैसे मरा। तो सोचिए और दीजिए इसका सही उत्तर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है, लिफाफा के गोंद में जहर था और जब आदमी ने इसे सील करने के लिए लिफाफे को चाटा तो वह मर गया। पहली नंबर 10, दो दोस्त एक हॉल में एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े हैं। पहला दोस्त उसके भाग्य को बताता है कि अगले 5 मिनट में तुम्हारे पीठ पर कोई छुरा घोंपने वाला है, उस हॉल में और कोई नहीं है। फिर भी जब सामने घड़ी में जब 5 मिनट बीते, उसके पीठ पर छुरा लगा था, बताइए कैसे। तो लगाइए दिमाग और दीजिए इसका सही उत्तर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है, वह 5 मिनट तक इंतज़ार किया और जैसे ही 5 मिनट हुए उसने खूनी को रोकने के लिए पीछे पलटा और उसके दोस्त ने पीठ पर छुरा मार दिया। पहली नंबर 11, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी परछाई नहीं होती है। इस पहली का उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे पिछले वीडियो के पहली के विजेता हैं मीनू गुप्ता और राम अवतार अग्रवाल। इनको ऑल रिडल्स ज्ञान यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। यदि आप भी अपना नाम हमारी वीडियो में लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राइट आंसर ज़रूर दें। यदि वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।